उदयपुर की नामचीन हिस्सी सीटर दिलीप नाथ को एक बार फिर उदयपुर पुलिस ने धर दबोचा है। हाथीपोल थाना इलाके के स्वरूप सागर के पास थानाधिकारी योगेश चौहान और डीएसटी के प्रभारी दिलीप सिंह सहित उनकी टीम ने नाकाबंदी की और एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो को रुकवाया, जिसमें दिलीप नाथ और मोहित सोलंकी बैठे थे। दोनों के पास दो लोडेड ऑटोमेटिक पिस्टल मिली थी। एसपी सिटी चंद्रशील ठाकुर ने बताया कि हिस्से सीटर दिलीप नाथ पर विभिन्न थाना इलाकों में करीब 30 मुकदमे दर्ज हैं और भूमि दलाली में भी लिप्तता सामने आई है। पूछताछ में दोनों बदमाशों ने दो और पिस्टल उनके पास होना कबूल किया, जिन्हें भी जब्त कर लिया गया है। अवैध हथियार एमपी से खरीदना सामने आया है। अब इसकी भी जांच की जा रही है कि दोनों कौन सी वारदात को अंजाम देने जा रहे थे। वहीं दिलीप नाथ और मोहित सोलंकी के अपराधियों से संपर्क को भी टटोला जा रहा है। वैसे आपको बता दें कि बदमाशों की हथियार सहित गिरफ्तारी की खबर उदयपुर न्यूज ने शुक्रवार को ही प्रसारित कर दी थी। मोहित सोलंकी और दिलीप नाथ को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से मोहित सोलंकी को तो न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है, जबकि दिलीप नाथ को पुलिस अभिरक्षा में भेजा गया है। रिमांड अवधि के दौरान पुलिस सीसीटीवी सीटर के नेटवर्क और वह किस वारदात को अंजाम देने जा रहा था, इस पर गहनता से पूछताछ करेगी। जी, ये हाथीपोल थाना क्षेत्र के स्वरूप सागर के पास SHO हाथीपोल श्री योगेश चौहान और इनकी टीम ने DST प्रभारी दिलीप और उनकी पूरी टीम के सहयोग से दो बदमाशों को पकड़ा और उनके स्कॉर्पियो कार में उनको पकड़ा, जिनके पास तलाशी में दो वेपन्स ऑटोमेटिक पिस्टल्स पाए गए और जैसे मैगजीन लगे हुए थे, और वो लोग किसी वारदात की फिराक में थे, ऐसी मुखबिर से इनको सूचना मिली थी। जो दोनों अपराधी पकड़े गए हैं उसमें एक तो हिस्ट्री शीटर है दिलीप नाथ, जिसके 30 के करीब मुकदमे विभिन्न थानों में गंभीर मामलों में दर्ज है, जो फिलहाल भूमि दलाली का भी काम करता है, और इसके अलावा उसकी दूसरी जो भूमिकाएं हैं बदमाश प्रकृति का आदमी होने की वजह से उसकी जाँच कर रहे हैं। मोहित सोलंकी उसका जो साथी है वो भी पकड़ा गया पिस्टल के साथ। इनसे पूछताछ के दौरान इन्होंने दो पिस्टल की और जानकारी दी, उन दो पिस्टलों को भी बरामद किया गया है। कुल मिलाकर 4 पिस्टल इनसे बरामद हो चुके हैं ऑलरेडी। और इनका क्या नेटवर्क है बदमाशों के साथ, इनकी शस्त्र जो इनके पास इतनी बड़ी मात्रा में आए हैं उसको के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है कि कहां से लेकर आए। MP से लाना प्रथम दृष्टया सामने आया है, तो क्या ये आगे भी सप्लाई करते हैं? दूसरे भूमि से रिलेटेड कब्जे और उसको छुड़ाना और कब्जा कराना, जिस तरह की जो बातें कई बार आती हैं, उसके संबंध में भी इनसे जांच की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। और दूसरे कोई मामले अगर और हो तो उसके बारे में जानकारी की जा रही है। ये भी पता किया जा रहा है कि इतना वेपन लेकर ये लोग कौन सी वारदात करना चाहते हैं।